मुरादाबाद के दिल्ली रोड नया मुरादाबाद स्थित स्प्रिंगफील्ड कॉलेज के मीटिंग हॉल में भारत विकास परिषद के बैनर तले राष्ट्रीय संविधान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों द्वारा बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में मुरादाबाद शाखा के अंतर्गत लगभग 8 अलग अलग स्कूलों से आए विद्यार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया और अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक अच्छा संदेश देने का काम किया गया। कार्यक्रम आयोजन समिति द्वारा प्रतियोगिता में प्रतिभागी विजेता रहे बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां भी पेश की गईं, जिसको देख मौजूदा जनसमूह द्वारा बच्चों की जमकर तारीफ की गई। कार्यक्रम के आखिर में राष्ट्रीय गान पढ़ा गया। Thank you.
कार्यक्रम के मंच से कहा गया कि हमारे यह बच्चे देश का भविष्य हैं और हमारे इन बच्चों में ही कोई समाज की सेवा करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा और कोई देश की रक्षा करने वाला बनेगा। जो बच्चे अच्छा करना चाहेंगे और हमारे देश भारत को बुलंदी की ओर ले जाना चाहते हैं, वो देश के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद रहे वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संजीव आकांक्षी द्वारा भी अपनी बात को रखा गया। उन्होंने मंच के माध्यम से बच्चों की प्रशंसा की और भारत विकास परिषद संस्था के किए जा रहे कार्यों का गुणगान किया। भारत विकास परिषद की जो मेन शाखा है मुरादाबाद की, उसकी ओर से आज राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है, बहुत सारे विद्यालय इसमें प्रतिभाग करते हैं। इस बार भी 8 विद्यालयों ने इसमें प्रतिभाग किया है। मुरादाबाद के नया मुरादाबाद में स्थित स्प्रिंग फील्ड स्कूल के इस बहुत सुंदर प्रांगण के इस हॉल में इसका आयोजन हुआ है। हमारे इस आयोजन में जैसे कि प्रतिवर्ष होता है, बच्चे हिंदी और संस्कृत दो प्रकार के गीत गाते हैं और दोनों प्रकार के गीतों के जो मार्क्स मिलते हैं उनको समायोजित करके 400 अंक का पूरा पेपर होता है, उसमें से जो सर्वाधिक अंक प्राप्त करते हैं वही विजय होते हैं। 8 स्कूलों के बच्चे थे, बहुत सुंदर वेशभूषा में बच्चे आए, बेटियाँ बहुत सुंदर वेशभूषा में थी, टीचर्स ने बहुत सहयोग किया है। पूरी भारत विकास परिषद मेन शाखा की पूरी टीम, जिसकी अध्यक्ष राजू अग्रवाल जी हैं, उनकी पूरी उनके मार्गदर्शन में निर्देशन में बहुत सुंदर ये कार्यक्रम हुआ है। सर्वाधिक अंक प्राप्त करके स्प्रिंग फील्ड स्कूल की ही टीम ने इसमें विजेता के रूप में वो घोषित हुई है। प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद में अब क्योंकि ये शाखा स्तर का कार्यक्रम था, अब प्रांत स्तर के कार्यक्रम में वो प्रतिभाग करेगी इस शाखा की ओर से। आज और भी मुरादाबाद में और भी जो शाखाएं उनके भी आयोजन मुरादाबाद में हो रहे हैं, उन सबकी ओर से जो जो प्रथम आएगा वो प्रांत स्तर पर प्रतिभाग करेगी। आज के इस कार्यक्रम में जो निर्णायक रही हैं वो म्यूजिक के टीचर हैं, धामपुर से आई हैं सिंधु भारद्वाज जी, ये मेरे साथ खड़ी हैं इस समय, और दूसरी शिक्षिका हैं, म्यूजिक के टीचर हैं वो शिल्पी सक्सेना जी, वो रही हैं इस पूरे आयोजन में। अशोक जी हमारे साथ खड़े हैं, इनका और इनके पूरे विद्यालय का, इनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ऐसे ही पूरी टीम जुटती है आज के कार्यक्रम में। हमारे क्षेत्र के पदाधिकारी अजय बिश्नोई जी, अलका बिश्नोई जी और प्रांत के अध्यक्ष हमारे आलोक अग्रवाल जी, ये सब उपस्थित रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पूरे परिवार के रूप में जुड़ करके सब लोगों ने कार्यक्रम को संयोजन करा है और आज का बहुत सुंदर संचालन बोस की गुप्ता ने किया है, मैं इन सबके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और इन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए।